हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लेजेंड्स ऑफ टुमारो का एपिसोड नंबर 7। तो पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे क्रोनस के अटैक के कारण वेव राइडर डैमेज्ड होकर क्रैश लैंडिंग कर स्टार सिटी ईयर 2046 में पहुंच चुका था, जहां से हंटर अपनी टीम के साथ फेलिसिटी के लैब से वेव राइडर को ठीक करने की डिवाइस लेकर भी आ गया था और इनका वेव राइडर ठीक भी हो चुका था। तो अब बारी थी इनके वापस से अपने मिशन पर फोकस करने की, जो थी वांडल सिविस के हर वक्त में जाकर उसके खतरनाक प्लान को बर्बाद करना। जैसे इन्होंने सबसे पहले ईयर 1975 में न्यूक्लियर वेपन बर्बाद किया, फिर कार्टर की बॉडी इससे बचाई ताकि वांडल कार्टर के खून से अपने और साथी को अपने तरह ही अमर न बना सके। फिर ईयर 1986 में इन लोगों ने वांडल सिविस को सोवियत फायर स्टॉर्म सेना बनाने से रोक लिया था। वहीं से निकलते वक्त ये लोग ईयर 2046 में फंस गए थे। तो वहां से कैसे ये लोग बाहर आए हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसकी शुरुआत हंटर और प्रोफेसर आइंस्टीन के बातचीत के साथ होती है, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है स्टार सिटी ईयर 2046 से निकलने के बाद ये लोग पूरे एक सप्ताह से सिर्फ यूं ही अपना वक्त गुजार रहे हैं। क्योंकि जब क्रोनस ने पिछली बार वेव राइडर पर हमला करी थी, वेव राइडर के मेन सिस्टम के साथ गिडियन का एआई सिस्टम भी खराब हो गया था, जिसे गिडियन ये ट्रैक नहीं कर पा रही थी कि आखिर वांडल सिविज आगे किस ईयर में मिलेगा। तो पिछले एपिसोड्स में इन्होंने फेलिसिटी के डिवाइस से वेव राइडर को तो ठीक कर लिया था, पर गिडियन की एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सॉफ्टवेयर की इनको अभी भी जरूरत थी ताकि ये लोग अपने आगे के प्लान को कंटिन्यू कर सके। तभी इन्हें वेव राइडर के स्क्रीन पर मास्टर ईव बैक्स्टर की वीडियो मैसेज आती है कि उनके सिप एंक्यूरियन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, उन्हें फौरन ही मास्टर काउंसिल की तरफ से मदद भेजा जाए। तो फ्रेंड्स, ईव बैक्स्टर भी हंटर की तरह ही एक टाइम मास्टर थी। अब चूंकि इनके सिप एक जैसे लगभग होते हैं, इनमें आने वाले कुछ इस तरीके के इमरजेंसी हेल्प सभी सिप में कनेक्टेड होते हैं ताकि जिसे भी मैसेज पहले मिल सके वो अपने साथी की मदद कर सके। तब एंक्यूरियन सिप का नाम सुनते ही हंटर कुछ सोचता हुआ बोलता है, हमें उस पर जाकर ईव को बचा लेना चाहिए क्योंकि एंक्यूरियन में मौजूद एआई सॉफ्टवेयर से गिडियन को भी अपडेट किया जा सकता है, और साथ ही चूंकि ईव एक वक्त पर मेरी कलीग हुआ करती थी, मैं उसे भी बचाऊंगा। जिसके लिए अब हंटर फायरस्टॉर्म यानी कि प्रोफेसर आइंस्टीन और जेफर्सन को अपने साथ एंक्यूरियन में चलने बोलता है। तब मिक आकर झल्लाता हुआ बोलता है, वैसे भी एक सप्ताह से मैं सिर्फ बोर ही हो रहा हूँ, इससे बेहतर तो पृथ्वी का कोई जेल होता। अगर चाहते हो कि मेरा दिमाग ठीक रहे तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे अब हम हंटर को देखते हैं, जो कि अपने एब्सेंट में वेव राइडर की जिम्मेदारी डॉक्टर रेमंड यानी कि एटम को देकर खुद फायरस्टॉर्म और मिक के साथ एंक्यूरियन में पहुंचता है। तो ये लोग देखते हैं एंक्यूरियन पर काफ़ी अंधेरा होता है। तब धीरे धीरे ये लोग ईव को ढूंढते हुए अंदर बढ़ते हैं। तभी इन लोगों पर टाइम पैरट्स के लोग आकर हमला कर इन्हें बंदी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम पैरट्स जो कि एक तरह का डाकू या लुटेरा आप कुछ भी बोल सकते हो, इनका काम होता है इसी तरीके के फंसे सिप पर कब्जा कर इन्हें लूटना और सिप को भी अपने कब्जे में ले लेना। अब चूंकि मिस्टर वालर यानी कि इस पायरेट्स के सरदार से पहले भी पाला पड़ चुका था, मिस्टर वालर अपनी पिछली हार के लिए हंटर से बदला लेने के लिए बोलता है, अगर अपने साथियों को बचाना है तो अपने वेव राइडर को भी हमारे हवाले कर दो, और तो और तुम्हारी एक पुरानी दोस्त ईव बैक्स्टर भी मेरे ही कब्जे में है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर चूंकि हंटर तो ऐसे पायरेट्स से कई बार पहले भी निपट चुका था, वो यहाँ पर चलाकी दिखाते हुए बोलता है, वेव राइडर को मैं नहीं अब दूसरा टाइम मास्टर संभालता है, यकीन नहीं है तो वीडियो कॉल करके देख लो। टाइम मास्टर की सिप में यही तो खासियत होती है कि यहाँ पर सब चीज पॉसिबल है। जिसे सुनकर अब मिस्टर वालर एंक्यूरियन से वेव राइडर पर वीडियो कॉल लगाता है और फिर एटम को बोलता है, अपने दोस्तों को जिंदा रखना चाहते हो तो वेव राइडर को मेरे हवाले कर दो। तब इस बीच हंटर यहाँ पर कोड वर्ड लैंग्वेज में गिडियन को कमांड देता है कि एंक्यूरियन पर हमला करे। अब जैसे ही एंक्यूरियन पर वेव राइडर का हमला होता है, हंटर सोचता है मिस्टर वालर इससे डरकर इन लोगों को छोड़ देगा, पर यहाँ सीधे उसका उल्टा होता है। मिस्टर वालर गुस्से में एंक्यूरियन को अब कमांड देकर वेव राइडर पर भी रिटर्न में हमला करवा देता है और हंटर को इसके दो साथियों के साथ बैक्स्टर के साथ सीप में मौजूद एक तरीके के जेल में लॉक करवा देता है, जिसकी लॉक इनविजुअल होती है। दो ही साथी? हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने यही बोला, दो साथी। क्योंकि जब इधर मिस्टर वालर और हंटर की बातचीत चल रही होती है, प्रोफेसर आइंस्टीन साइड से निकलकर एंक्यूरियन सिप में अंदर की ओर भाग जाता है, जिस पर बूढ़ा होने के कारण इस पर कोई खास ध्यान भी नहीं देता है, जिसका फायदा उठाते हुए प्रोफेसर आइंस्टीन अब अंदर ढूंढते ढूंढते एंक्यूरियन के वेपन सिस्टम के पास जाकर
इसे ऑफलाइन कर देता है ताकि अब मिस्टर वालर चाह कभी वापस से वेव राइडर पर कमांड देकर उस पर अटैक न कर पाए। और फिर एक गार्ड को अपनी ओर इशारा कर बुलाकर उसे बेहोश कर उसकी गार्ड वाली ड्रेस पहनकर अपने साथियों को ढूंढने लगता है। तो फ्रेंड्स अब आप ज्यादा मत सोचिए, प्रोफेसर एस्टेन भले ही बूढ़ा था पर एक तो वो इंटेलिजेंट था प्लस उसमें फायर स्टॉर्म की आधी पावर थी, इसलिए हमारे बूढ़े प्रोफेसर एस्टेन को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो इधर अब हमें वेव राइडर पर दिखाया जाता है जहाँ पर एंकेरियन के अटैक के कारण वेव राइडर के साइड वाले हिस्से में छेद हो जाती है, जिसे पहले तो सारा और स्नार्ट ठीक करने जाते हैं पर यहाँ इस छेद को बंद करने के चक्कर में स्नार्ट की कोल्ड गन की बैटरी लो हो जाती है। साथ ही ये लोग गलती से वेव राइडर के इसी हिस्से में फंस जाते हैं, जिसे देख अब हमारा अगला हीरो एटम अपने सूट पहनकर वेव राइडर के बाहर जाकर इसे ठीक करने लगता है। पर चूंकि बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, एटम की हालत खराब होने लगती है, जिसे नॉर्मल फील करवाने के लिए केंड्रा यानी कि हमारे इजिप्टियन हॉक गॉडेस एटम से बातें करने लगती है। तब हम देखते हैं एटम वेव राइडर में हुए छेद तो बंद कर देता है पर खुद ऑक्सीजन पूरी तरीके से उसके सूट में खत्म होने के कारण अपने सूट को सीप में वापस से ले चलने का कमांड देकर अपने ही सूट में बेहोश हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एटम का सूट एटम को लेकर सीप में इंटर करता है, केंड्रा भागती हुई एटम के पास आकर इसके हेलमेट को निकाल कर भावुक होते हुए एटम के सीने पर मारने लगती है ताकि एटम की सांसें वापस से नॉर्मल हो सके, जिसके कुछ देर बाद केंड्रा के बार बार ऐसा करने पर हम देखते हैं एटम को होश आ जाता है। तो इधर स्नार्ट और सारा भी वेव राइडर के फंसे एरिया से बाहर आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें एंकेरियन के जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ईव बैक्स्टर हंटर को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, तुम ऐसे कैसे मास्टर काउंसिल के खिलाफ जा सकते हो। टाइम मास्टर बनते वक्त हमने पूरे दिल से ये शपथ लिया था कि चाहे कुछ भी हो टाइमलाइन की रक्षा पूरे जी जान से करेंगे, तो फिर ये सब क्या है, तुम खुद ही टाइमलाइन बदलने में क्यों लगे हो। जवाब में हंटर बोलता है, भले ही मैं मास्टर काउंसिल के खिलाफ जाकर काम कर रहा हूँ पर फाइनली मेरा मोटिव तो यही है ना कि पूरी दुनिया को बचा सकूं। वांडल सेवेज ने मेरी पत्नी और बेटे की बेरहमी से जान ले ली और मैं ये नहीं चाहता कि आगे वांडल ऐसे किसी दूसरे परिवार के साथ करे। अब इसमें तुम मुझे गलत समझो या बुरा समझो, ये तुम पर डिपेंड करता है। जिसे अब सुन यहाँ ईव तो हंटर की बातों को समझती है पर वापस से झलाता हुआ मिक हंटर को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देता है, जिस पर अब हमें यहाँ इन दोनों के बीच एक छोटी सी झड़प दिखाई जाती है। तब जेफरसन इनके बीच में आकर इन दोनों को रोक तो लेता है। तब हम मिक को देखते हैं जो कि पूरे गुस्से में मिस्टर वालर के आदमियों को अपने पास बुलाकर बोलता है, तुम्हें वेव राइडर चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। जिसे सुन मिस्टर वालर के आदमी मिक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसे देख जेफरसन और हंटर दोनों ही दंग रह जाते हैं कि कैसे इतनी आसानी से मिक इन्हें धोखा दे सकता है। कि तभी यहाँ पर प्रोफेसर आइंस्टीन भी आखिरकार अपने दोस्तों को ढूंढ निकालता है और फिर अपने गन से सिप के इस इंडिविजुअल लॉक को तोड़कर अपने दोस्तों को आजाद कर लेता है। तो इधर अब हम मिक को देखते हैं जो कि मिस्टर वालर के आदमियों को लेकर वेव राइडर पर पहुंचता है, जिसे देख स्नार्ट समझ जाता है कि मिक दुश्मनों के साथ मिल चुका है। जिसे स्नार्ट दिमाग शांत कर समझाने की कोशिश करता है कि मिक ऐसा ना करे। तो जवाब में मिक बोलता है, मिस्टर वालर से मैंने एक डील करी है, मैं उन्हें वेव राइडर दूंगा, बदले में वो मुझे अपने वक्त सेंट्रल सिटी के ईयर 2016 में वापस भेज देगा, बाकी इसके बाद वो इन लोगों के साथ क्या करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुन स्नार्ट को ऐसा लगता है कि शायद इस बार वो मिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसके बाद स्नार्ट इस बार मिक का साथ देने के बजाय अपनी टीम का साथ चुनता है। क्योंकि फ्रेंड्स फ्लैश सीरीज में हमने देखा था स्नार्ट एक एंटी हीरो है। एंटी हीरो का मतलब जो शख्स अपनी मनमर्जी तो करता है पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए, जैसे कि मार्वल्स में लोकी है और अपने बॉलीवुड की बात करें तो फेमस कैरेक्टर डॉन है। स्नार्ट भी बिल्कुल वैसा ही था। अब जैसे ही स्नार्ट अपने दोस्तों का साथ चुनता है, यहाँ मिस्टर वालर के आदमियों के साथ मिक और हंटर की टीम में जंग छिड़ जाती है, जहाँ हमारे सारे हीरो अपने अपने अंदाज में सबको धोना शुरू कर देते हैं। तो इधर एंकेरियन शिप में भी हंटर अपने तरीके से मास्टर वालर से हाथापाई कर फाइनली मिस्टर वालर को हरा देता है और अचानक से कुछ अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है, जिसमें अब यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है हंटर जिस लड़की से प्यार करता था वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि इसी की तरह ही एक टाइम मास्टर हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी में एंकेरियन शिप हुआ करती थी, जिसके कुछ फंक्शंस के बारे में मिरिंडा यानी कि हंटर की पत्नी ने हंटर को भी सिखाया था। इसी बीच इनके अफेयर के बारे में मास्टर काउंसिल को पता चल गया था,
तब मास्टर काउंसिल की तरफ से इन्हें ऑप्शन दिया गया था कि या तो ये अपना रिश्ता खत्म कर ले या फिर इनमें से किसी एक शख्स को अपना ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। तब मिरिंडा ने हंटर का साथ निभाते हुए अपनी जॉब एंक्रियन से छोड़ दी थी। तब इस जॉब पर कुछ दिनों के लिए हंटर की भी जॉब मिली थी, जिसके कुछ फंक्शन को याद करता हुआ इस वक्त हंटर एंक्रियन से एक गुप्त गेट को खोलता है, जिससे कि मिस्टर वालर और उसके बचे साथी इससे बाहर गिर जाते हैं। जिसके बाद अब हम टाइम मास्टर ईव बैक्स्टर को देखते हैं, जो कि अपनी जान और एंक्रियन को इन टाइम पैरट से बचाने के लिए हंटर को गिडियन के लिए एआई सॉफ्टवेयर दे देती है, जिससे कि अब हंटर आसानी से अपने दुश्मनों वांडल को ट्रैक कर सकता था। तो अब दूसरी तरफ वेव राइडर में हम मिक को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी तरीके से बस वेव राइडर पर कब्जा पाने के लिए सारा पर ही अटैक करने लगता है। तब बीच में स्नार्ट आकर अपनी कोल्ड गन के सहारे मिक को रोक कर बेहोश कर देता है, और फिर फाइनली ये लोग भी अपने वेव राइडर को मिस्टर वालर के आदमियों से निपट कर बचा लेते हैं। तो अब आगे हम अपनी हॉग गॉडेस केनरा को देखते हैं, जो कि इतना सब कुछ होने के क्रम में महसूस करती है कि वो भी एटम को पसंद करने लगी है, और इसलिए जब एटम केनरा के पास आता है, केनरा उसे किस करके अपने दिल की बात बता देती है। तो अब एपिसोड के आखिर में हंटर की टीम, या यू कहे कि हमारे सारे लीजेंस इकट्ठा होकर इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस धोखेबाज मिक के साथ क्या किया जाए। जिस पर जेफरसन बोलता है, क्यों ना हम मिक को 2016 में छोड़ आए, जहाँ ये शांति से रहेगा और हम वापस अपने मिशन पे लौट आएंगे। जिस पर स्नार्ट बोलता है, मिक को यूँ खुले में छोड़ना सही नहीं है, ये कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सबकी भलाई के लिए अब हम स्नार्ट को देखते हैं, जो कि मिक को बेहोशी की हालत में एक सुनसान जंगल में लाता है, जहाँ ये किस ईयर में है, किस जगह पर है, मिक को बिना बताए ही इसे जगा कर स्नार्ट मिक को सॉरी बोल इसे अपनी कोल्ड गन से मार देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोज डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।